Ms. Sharma and I welcome you all to Advaita Education powered by Gate Academy straight way to government job. और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहते हैं संविधान का संशोधन करना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में देखे गए हैं। आपको इसमें ये याद रखना रहता है कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक है वो किस अमेंडमेंट से बदला गया है। तो आज हम बेसिक्स देखेंगे कि एक्चुअली अमेंडमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से अमेंडमेंट आप कर सकते हो, इंडिया में उसका तरीका कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। तो देखिए, जैसे जैसे आपकी लाइफ चेंज हो रही है, जैसे जैसे जो हमारा समय है ये बदलता जा रहा है। हमारा संविधान लिखा गया था 1949-50 के आसपास में, तो उस टाइम से लेकर आज तक में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। बहुत सारी चीजें चेंज हुई होंगी लाइफ में लोगों के, इनफैक्ट सोसाइटी में चीजें चेंज हुई हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, इन्वेंशंस हुए। तो इसके साथ साथ में आपको बहुत सारे बदलाव अपने लाइफ में खुद देखने को मिलते हैं। तो क्या एक संविधान जिसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, क्या वो आपके लिए सफिशियंट है? नहीं। उसमें हमें क्या करना रहता है, अमेंडमेंट करना रहता है, संशोधन करना रहता है। कि जैसे जैसे हमारे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इसमें संशोधन करेंगे और चीजों को नई नई जो है वो संविधान में लाकर रखेंगे। तो इसलिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, संविधान की। अगर मैं इसको हिंदी, प्योर हिंदी में बोलूं तो परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप हमें संशोधन करना रहता है। जैसी हमारी परिस्थितियां रहेंगी और जिस तरह की आवश्यकताएं हमें लगेंगी। अब देखिए, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। ये दोनों वर्ड्स आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा। तो देखिए, रिजिड का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करना बहुत ज्यादा टफ हो तो वो क्या हो गया आपका, रिजिड। जैसे अगर मैं बात करूं यूएसए का, यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा वर्ड गलत लिख दिया तो आई अपोलोजाइज। ये जो नॉट है ये मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बस इतना ध्यान दीजिए। देखिए, अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारा जो संविधान है ये बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है अमेंड करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर आप कोई अमेंडमेंट करना चाहते हो तो वो बहुत ज्यादा टफ होता है करना, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। दैट इज द रीजन कि वहां पे बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आज तक हुए नहीं है। लेकिन दूसरी जगह अगर मैं बात करूँ ब्रिटिशर्स, तो जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे अमेंडमेंट करना बहुत आसान है। मतलब अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जो है ना वो आप ऑर्डिनरी बिल की तरह अमेंड कर सकते हो, इतना ज्यादा ईजी होता है। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करना बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज्यादा ईजी भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपके एक मॉडरेट लेवल में, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो बहुत ज्यादा लचीला भी नहीं है और बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है। ये दोनों का क्या है, एक मिक्सचर है, ये चीज है। अब देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेजोरिटीज बताई थी, तो मेजोरिटीज क्या है, वही होती है कि अगर मुझे कोई अमेंडमेंट करना है, कुछ चीजों को चेंज करना है, तो वो कैसे करोगे, जहां पे बहुमत रहेगा तो भैया उस तरह से चीजें आपकी चलेंगी। तो आपने एक चीज देखी होगी कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हो, बहुत सारी जो आप स्पेशल मेजोरिटी से पास कर सकते हो। तो यही रीजन है कि हमारा जो संविधान है वो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है, सिंगल एक ही आर्टिकल है 368 जिसके अंदर में आप अमेंडमेंट्स कर सकते हो। ये पावर किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास में, ये संसद के पास में ये पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो संविधान को संशोधित कर सकती है। किस पार्ट में लिखा हुआ है, पार्ट 20 के अंदर में ये लिखा हुआ है। अब पार्लियामेंट कर क्या सकती है, पार्लियामेंट अगर किसी भी आर्टिकल को, किसी भी पार्ट को, किसी भी लॉ को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहती है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ रिपील करना चाहती है, रिपील करने का मतलब होता है हटाना चाहती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं पार्ट 7 का, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एट प्रेजेंट पार्ट 7 है ही नहीं क्योंकि उसे रिपील कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है, तो वो भी हमने एक अमेंडमेंट के थ्रू हटाया है। देन बहुत सारे आर्टिकल्स को हमने जोड़ा है, ऐड किया है, तो वो भी हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए हैं। या फिर मैं किसी भी प्रोविजन को मॉडिफाई भी कर सकती हूँ, हम अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हमारा मतलब कौन, पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है।
यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी है, पॉइंट टू पॉइंट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में इस तरह से पूछा जाता है। अब क्या आप हर चीज को जैसा चाहो वैसा अमेंड कर सकते हो? नहीं, हम नहीं कर सकते। रीजन बिकॉज कुछ चीजें होती हैं, कुछ मूल सिद्धांत होते हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर बात करूं जुडिशियल रिव्यूज की, तो जुडिशियल रिव्यू आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जो हमारा 9th शेड्यूल आया था रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, तो उसमें ये बोला गया था, उसमें पार्लियामेंट ने ये लॉ निकाल दिया था कि अगर मैं 9th शेड्यूल के अंदर में हम अगर कुछ भी लॉ कुछ भी बिल्स को रख देते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर में नहीं आएगी। जुडिशियल रिव्यू को हिंदी में कहते हैं न्यायिक जांच होना, तो वो नहीं आएगी। अब ये चीज तो गलत है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ये चीज हनन कर रहा है, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि पार्लियामेंट हर लॉ जो बना रही है वो सही हो, राइट? हर किसी के हिसाब से अगर आप देखो तो कईयों के लिए वो प्रो रहेगा, कई लोग के लिए वो बहुत कॉन रहेगा। इसीलिए तो इसलिए ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप चाहो तो आप संविधान को अमेंड कर सकते हो, ये पावर तो पार्लियामेंट के पास है, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। मतलब जो अगर जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो तो होना ही होना है, तो इसलिए उसको आप अमेंड नहीं कर सकते उस तरह की चीजों को। और ये चीज कब कही गई थी, एक केस आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, केशवनंद भारती केस ऑफ 1973। जिस दिन इसका रिजल्ट आया उस दिन हेडलाइंस तक ये थी, द केस विच सेव द डेमोक्रेसी। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट केस था। इसके अलावा इसमें जो जजेस की बेंच बैठी थी वो आज तक की सबसे बड़ी जज बेंच थी, 13 जजेस बेंच थी, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। यहाँ आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में छेड़खानी नहीं कर सकती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मेजोरिटी की। तो जैसे प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें आर्टिकल 368 के अंदर में अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए हम हमेशा एक विशेष बहुमत होता है, जो स्पेशल मेजोरिटी है उसको यूज कर सकते हैं। अब स्पेशल मेजोरिटीज आपकी किस तरह से वर्क करती है, तो देखिए सबसे पहले बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, एक होएगा आपका सिंपल मेजोरिटी जिसको आप यूज कर सकते हो, और तीसरा इसके अंदर में जो आएगा वो है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो ये मैंने आपको मेजोरिटी के अंदर में बताया है कि अगर स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं है तो उस टाइम पे हमें 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग और एब्सोल्यूट मेजोरिटी आपकी रहेगी, तो आप बिल को पास कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368। और अगर कहीं पे आपकी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं अगर, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां आपको 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, इसके अलावा एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी होना चाहिए, और साथ में 50% स्टेट्स जो है वो भी अपने खुद के विधानसभा में सिंपल मेजोरिटी से अगर उस बिल को पास कर देते हैं तो फिर आपका जो पर्टिकुलर बिल है वो पार्लियामेंट में भी पास हो जाएगा और वो बिल आपका एक लॉ बन जाएगा, सॉरी आपका एक एक्ट बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपके अमेंडमेंट्स हो गए 3 टाइप के। इन्हें अब देखिए इसमें ये किस तरह से वर्क करेगा इसको हम लेटर ऑन देखेंगे। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट, कि अमेंडमेंट एक्चुअली आप करोगे कैसे, पार्लियामेंट में बिल आएगा कैसे और किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इनिशिएट कौन करेगा, लेकर कौन आएगा, ठीक है। अब इनिशिएट आप कर सकते हो एज अ बिल, पार्लियामेंट में क्या होता है पहले हम एक बिल लेकर आते हैं, ठीक है। इस बिल को जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हो तो उसका बिल आप किसी भी हाउस में लेकर आ सकते हो, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, किसी भी हाउस में आप ला सकते हो, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि आप स्टेट लेजिस्लेचर में लेकर नहीं आ सकते, मतलब विधानसभा विधान परिषद में आप कभी भी बिल को ला नहीं सकते। कौन से बिल को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो बिल है वो विधानसभा और विधान परिषद में नहीं आता, वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में ही आप इनिशिएट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना, एमसीक्यूज बनते हैं इससे रिलेटेड। अब बिल को लाएगा कौन, कहां आता
है वो तो हमने देख लिया। अब इस बिल को इंट्रोड्यूस कौन करा सकता है? या तो कोई मिनिस्टर करा सकता है, जो मेजॉरिटी में पार्टी है तो उसी के सारे मिनिस्टर्स बनते हैं, तो जो भी मिनिस्टर चाहे वो उस मिनिस्टर बिल ला सकते हैं, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं? एवरी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन द मिनिस्टर। जो मिनिस्टर नहीं है और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सब आपके क्या हो गए? प्राइवेट मेंबर्स हो गए। तो बिल को या तो कोई मिनिस्टर लाएगा या फिर प्राइवेट मेंबर लेकर आएगा। अब बिल लाने के लिए हमें परमिशन की जरूरत नहीं होती, प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर्ड। अगर मैं बात करूं मनी बिल का, एक बिल होता है मनी बिल, तो उसको अगर हमें हमारे पार्लियामेंट में लाना है, लोकसभा में आता है मनी बिल, तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे बहुत से बिल्स हैं जिसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की, लेकिन अगर मुझे संविधान को अमेंड करना है तो उसके लिए आपको बिल लाने की जरूरत, बिल लेकर अगर आना है तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिल जो है वो पास कैसे होगा? इट शुड बी पास बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। क्या बोला मैंने? स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या हुई? मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो हमने देखा था स्पेशल मेजॉरिटी में वही है ये, कि एक तो टोटल मेंबरशिप जो है आपकी, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका कौन सा वाला बन गया, ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बन गया है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो गई, और ये वाला कौन सा हो गया आपका, जो सिंपल मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी ये। ठीक है, तो इस दो से आप क्या कर सकते हो, अपने बिल को आप पास कर सकते हो। कौन से वाले बिल को? जिसमें स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं है। अभी स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं है वही वाले का अपन एग्जांपल ले रहे हैं। अब जो बिल है वो पास होगा सेपरेटली, मतलब लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग, दोनों में अलग अलग पास होना चाहिए। अगर बाई चांस लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो ज्यादातर बिल्स को हम क्या करते हैं, ज्वाइंट सेशन बैठाते हैं, एक साथ दोनों हाउसेस के मेंबर्स को एक सेंट्रल हॉल में बैठाते हैं और फिर हम वहां पे वोटिंग करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट का बिल है तो उसको आपको सेपरेटली पास करना जरूरी है, और अगर किसी हाउस में पास नहीं होता है तो आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग इसमें नहीं आएगी। आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। रीजन क्या है इसका? देखिए, रीजन ये है कि लोकसभा की सीट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू राज्यसभा। नाउ आप ये समझिए कि अगर लोकसभा में आपका जो बिल है वो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में नहीं हुआ और आपने ज्वाइंट सेशन बुला लिया, तो ज्वाइंट सेशन में ऑब्वियसली लोकसभा के ज्यादा लोग है, तो मेजोरिटी से देखोगे आप तो लोकसभा वाले सब बिल पे हाँ बोल देंगे और आपका बिल पास हो जाएगा। तो राज्यसभा का यूज क्या रहा यहाँ पे? इसीलिए, सिर्फ इसी रीजन से हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स में जॉइंट सेशन को एंटरटेन नहीं करते। अब अगर मैंने इसके पहले जो मेजॉरिटी हमने देखा तो वो क्या था, अगर स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर बिल कोई ऐसा है जो कि एक फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड करता है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, संघीय व्यवस्था जिसमें आपके स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उस चीज को अगर हम कुछ अमेंड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स, मतलब 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन जरूरी है एक सिंपल मेजॉरिटी से। तब कहीं जाकर क्या होगा, आपका वो जो बिल है वो पास हो जाएगा, व्हेन पास्ड बाय हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, और तब जाके कहीं पे ये पारित हो जाएगा। मैं हिंदी में बोलूं तो यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो, किसके संघीय व्यवस्था के, तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए, जरूरी है। अगर नहीं होगा यहाँ पे कहीं पास तो फिर आपका जो अमेंडमेंट बिल है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब अगर बिल आपका पास हो गया,
आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई, पास हो गया। तो अब बिल किसके पास जाएगा? फिर जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास में, बिकॉज जो मेन सिग्नेचर है वो कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट फिर क्या करेंगे, उसमें अपना असेंट दे देंगे, मान लेंगे उस बात को। असेंट देना मतलब सहमति देना। अब देखिए, अगर प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया वो बिल, हो सकता है इसके कि प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है, उनकी खुद की जो पावर्स है, उनसे वो चाहे कि ओके ये बिल मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, और ऐसा कुछ है तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो अपने वीटो पावर्स का यूज नहीं कर सकते। नो यूज ऑफ वीटो। वीटो पावर्स क्या होते हैं मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगी, हम पूरा एक लेक्चर से वीटो पावर्स पर लेकर आएंगे। तो देखिए, वीटो पावर को अगर मैं समराइज बोलूं तो प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होती है कि अगर उस बिल को या तो अपने पास रख सकते हैं या फिर वापस से हाउस के पास में भेज देंगे फॉर रिकंसिडरेशन, कि आप पुनः इस पर विचार करें। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसको प्रेसिडेंट ना ही होल्ड करके रख सकते हैं और ना ही उसको रिटर्न कर सकते हैं, उस पर उन्हें सिग्नेचर करना जरूरी हो जाता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। दोनों चीजें नहीं कर सकते कौन? प्रेसिडेंट। एंड नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बिल पास हो गया है और प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल गया है, और अब आपका एक बिल क्या बन गया है? एक एक्ट बन गया है। सो ये क्या हुआ? आपका प्रोसीजर हुआ कि इस तरीके से, इस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं जो स्पेशल मेजोरिटी से पास होंगे, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में भी कौन सी मेजोरिटी, जिसमें स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं है और जिसमें स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो कौन कौन से हैं, क्या क्रिटिसिज्म है हमारे अमेंडमेंट को लेकर, काफी एक्सपर्ट्स ने बहुत क्रिटिसिजम्स भी की है, तो वो क्या है उन्हें भी देखेंगे। तो यहाँ तक आप पढ़िए, देखिए, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अद्वैत एजुकेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।